हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए आर पी डिजाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस पेपर पे आपको हम यस का मार्किंग दिखा रहे हैं कि ये यस बना हुआ है और इसको किस तरीके से बनाए हैं और इसका मार्किंग कैसे किया जाए, ये चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें कि आइंदा जो भी हम वीडियो बनाएं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें एंड ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और ये मार्किंग कैसे लगा। तो आगे भी हम इस वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, तो चले शुरू करते हैं वीडियो। तो आइए आप लोग को हम एस बनाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम एक जो साइज हमारा है तो उसकी लंबाई का जो भी सबसे पहले जो हमारा साइज है उसका सेंटर हम निकाल लेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा एक सेंटर का मार्किंग हो गया। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर से इसका एक सेंटर पॉइंट हम निकाल लेंगे और उसे मार्क कर देंगे पूरा आगे तक। अब ये हमारा एक सेंटर है, मतलब इसका जो साइज हमें कितने साइज में बनाना है अब उसको हम देखेंगे। तो मान लीजिए हम आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कितनी साइज में उसको बनाना चाहते हैं। अब आपका साइज कितना है एरिया का, तो आप उसी हिसाब से उसका मार्किंग कर सकते हैं। अब हम इसको पेपर पर बना रहे हैं तो पेपर पे तो इसकी साइज कम ही आएगी, तो आपको ये साइज कम ही लगेगा। अब मान लीजिए आपको ज़्यादा एरिया बनाना है, लेकिन फार्मूला यही रहेगा, उसमें थ्योरी यही होगी, मार्किंग करने का तरीका यही होगा। अभी हमारा सेंटर हो गया और ये हमारा एक मार्किंग लास्ट, ये हमारा बोर्ड का साइज हो जाएगा और यहाँ पर एक साइज हो जाएगा। मान लीजिए आपको कितने में बनाना है, 40 सेंटी में, 60 सेंटी में, तो आप उसे आसानी से तरीके उसको कर सकते, यानी आप उसे आसानी से उसका मार्किंग कर सकते हैं। अब सबसे अब हमने देखिए एक अब इसका सेंटर निकालना है, यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे। तो हमारा एक मार्किंग हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका सेंटर निकालना है। अब इसी सेंटर से आपका मार्क होगा, यानी डायर राउंड का जो मार्किंग इसी सेंटर पॉइंट से होगा। तो आप यहाँ पे एक मार्क कर लीजिए ऐसे। आपको जब भी इस चीज की घुमाने की जरूरत पड़ेगी तो आप ये वाला मार्किंग बुक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी मार्किंग से आप इसको घुमा पाएंगे। सेंटर से इसको हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इसका डीप कितना रखना है। 20 सेंटी रखेंगे, 25 सेंटी रखेंगे या 15 सेंटी उसको बनाएंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना डीप रहेगा। लेकिन जिस मार्किंग से वो यस का जो राउंड घूमेगा वो यही मार्किंग होगा, यही मार्किंग होगा। तो मान लीजिए हमें इसको बनाना है, चलिए एक बार बना हम इसको देखते हैं। पहला मार्किंग हम कर रहे हैं, ये मार्क हमारा हुआ यहाँ से, देखिए इसी थ्योरी से बनेगा। एक पहला मार्किंग हो गया। अब आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा हम मार्किंग ज़्यादा मारे कि इसकी जो लाइट है वो ज़्यादा हो जाए। अब दूसरा इस मार्किंग पर चले आइए और इसी मार्किंग पर आप यहाँ पर मिलाइए इसको, और इस मार्किंग को आप जहाँ चाहते हैं इसी पर मिलाइए, ठीक है। अब इस पर मिला करके आप इसको ऐसे घुमा दीजिए, ओके। अब ये देखिए हम कम से कम डीप में इसको बना रहे हैं, कम से कम डीप में बना रहे हैं। अगर अब इसको ज़्यादा बनाना है तो इसको ये कम से कम डीप में इसको बनाया जा रहा है। तो हम मान लीजिए कुछ चलते हैं ज़्यादा बनाकर देखते हैं। ये कम देखिए कम डीप में बन गया है, अब इसको थोड़ा सा ज्यादा डीप देते हैं।
तो इसको हम मिटा लेंगे। अब इसकी डीप थोड़ा सा हम ज्यादा देंगे। अब देखिए चलिए थोड़ा डीप हम इसको ज्यादा देते हैं, ये रहा डीप आपका। उसी तरीके से सेम चीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आप यहाँ पर मार्किंग पे मिलाएंगे, यहाँ से आप इसी मार्किंग पे रखेंगे और आसानी से इस चीज को मार्क कर लेंगे। देखिए कितना इजी है, दो हाफ राउंड लगते हैं, एक उधर से एक इधर से, बस उसी चीज को घुमाना होता है। अब मान लीजिए हमें कितने में बनाना है उसको थोड़ा सा, अब यहाँ पे आप जितने साइज में बनाना चाहते हैं फर्मा आपका यही रहेगा, यही फर्मे से आप बनाएंगे, जितना आपका जो साइज रहेगा उसी फर्मे से। अब उसको थोड़ा पीछे कर लीजिए आप जितने चौड़े बनाना चाहते हैं, अब साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जितना ही बनाएंगे आप वहीं पे उसका वो आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, अब इसी चीज को हम यहाँ आगे करके और देखिए यहाँ से हम मिला लेंगे, इसी चीज को हम यहाँ से मिला लेंगे। देख इजी सिंपल, देख लीजिए कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसको मार्किंग को हम किस तरह से करें, इजी है। ये एक फर्मा आप बना लीजिए, ये सेंटर निकाल लीजिए, एक इसका सेंटर निकाल लीजिए, यहां से रख करके ये दोनों मार्क, ये वाला मार्किंग घुमा लीजिए और यही इसी साइज को थोड़ा आगे करके जितने में आपको बनाना है, जितना साइज आपको रखना है इसका, जो साइज इतना रखना है उतना आप वही साइज आप रख करके इसको बना लीजिए और यहाँ पर से इस ये माला मगा से आप यहाँ पर घुमा लीजिए। आपका देखिए कितना बेहतरीन ये बन चुका है, देखिए आप देख पा रहे होंगे। तो आप इसे इजीली तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और यही बनाने का बढ़िया तरीका होता है यस का। मान लीजिए आप बड़ा साइज में बना रहे हैं तो ये वाली जो लाइन है इसको ज़्यादा आप दूर तक मार्किंग कर सकते हैं, तो उसी पर से आपको इस वाले एरिया पर देख करके घुमाना है कि हमारे इतने कितने बैठ रहा है, कितना में उसकी डीप कितना है, उसी हिसाब से आप इसको आप कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, चाहे जो भी डिज़ाइन होंगी तो आप हमसे पूछ के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं हम, और अपना हम मेल भी दिए हैं, आप मेल पे मैसेज हमें मेल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ का ध्यान रखें और मार्किंग को बढ़िया से देखें और इस वीडियो को ध्यान से देख और इस मार्किंग को आप ध्यान से समझ चुके होंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुक्रिया।